दोस्तों, इट इज़ अ कैरन कंस्ट्रक्शन में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, मेरा नाम एजाज अहमद है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स और नए नए डिज़ाइंस आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहता हूँ। तो प्रीवियस दो वीडियो में मैंने इसका प्लान और कॉलम लोकेशन का मैंने शो किया था। तो आज इस वीडियो में आपको इसका सेंटर लाइन के बारे में बताना चाहूँगा कि आप ये अगर प्लान अगर फाइनल करते हो ये कॉलम लोकेशन के साथ में, तो इसके हिसाब से मैंने सेंटर लाइन बनाया है, तो आपको बहुत यूज़फुल है अगर इस हिसाब से आप ऑन साइड पे कंस्ट्रक्शन चालू करना चाहते हो। तो इस सेंटर लाइन में आप जो शो करने वाला हूँ वो एज पर आपको ऑन साइड पे काम में आएगा। तो चलिए, आपको मैं सेंटर लाइन के बारे में डिटेल बताना चाहूँगा। उससे पहले अगर नए व्यूवर्स है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो जो भी हो वो आपसे मिस ना हो। तो ये प्लान एक बार आपको रोटेट करके बताता हूँ और इसका टोटली मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ पे जाके इसका देख सकते हो। चलिए आपको सेंटर लाइन के बारे में बता देता हूँ। तो ये स्टेरियस का जो पोर्शन है, यहाँ पे तीन कॉलम मैंने लिया था और ये सिट आउट के पास, ये हॉल के पास, ये फ्रंट मेन गेट के पास, टोटली एज पर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो कॉलम लोकेशन बताया है उसके हिसाब से ये मैंने सेंटर लाइन बनाया है। यहाँ पे ये फोर ग्रिड है ए बी सी डी और यहाँ पे 1 2 3 से 6 तक है, ये 6 ग्रिड है टोटल। ये 4 और 6 ग्रिड में कंप्लीट हो गया है। तो इसके डायमेंशन देख लीजिए आप, यहाँ पे एक कॉलम का मैंने सेंटर लिया है 4.5 इंच और यहाँ इनर टू इनर कॉलम के सेंटर टू सेंटर ये 7 फीट 9 इंच है, इनर टू इनर 7 फीट मैंने शो किया था आपको। तो ये कॉलम से कॉलम 7 फीट 9 इंच और यहाँ पे इस कॉलम से इस कॉलम का जो सेंटर है, जो जो यहाँ पे 9 इंच की वॉल है उस हिसाब से ये मैंने लिया है, तो ये 6 फीट है और यहाँ पे इस कॉलम से इस कॉलम 5 फीट 4 इंच और यहाँ पे इस कॉलम से इस कॉलम 15 फीट 11 इंच और यहाँ पे इस कॉलम से इस कॉलम 12 फीट 3 इंच। जो रिमेनिंग मैंने सेटबैक 2 फीट छोड़े हुआ था वो 2 फीट प्लस ये जो वॉल का सेंटर है 4.5 इंच, तो टोटल ये अपने प्लॉट के एंड फेस से इस कॉलम तक 2 फीट 4.5 इंच आ गया है। और रहा यहाँ का डायमेंशन, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये कॉलम का सेंटर 4.5 इंच और इस कॉलम से इस कॉलम 11 फीट 9 इंच और यहीं पे इस कॉलम से इस कॉलम 15 फीट 6 इंच और यहाँ पे ये जो 1 फीट 9 इंच आप जो इसका डायमेंशन देख रहे हो, ये एक्चुअली फ्रंट साइड में एक कॉलम मैंने एक लिया है जो इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम का जो सेंटर आया है वो 1 फीट 9 इंच है और रिमेनिंग जो बचा हुआ है ये 15 इंच का मैंने कॉलम लिया था, तो ये सेंटर के हिसाब से 7.5 इंच यहाँ पे डायमेंशन आ गया है। तो एज इट इज़ ये साइड बैक जो छोड़ा है मैंने, तो यहाँ 2 फीट और ये 4.5 इंच, 2 फीट 4.5 इंच, तो एज इट इज़ ये भी अगर इसको प्लस कर लेंगे तो आपको 2 फीट 4.5 इंच आएगा। तो उस वीडियो में मैंने एक और एक ऑप्शन भी दिया था आपको, ये जो स्पैन है इस कॉलम से इस कॉलम जो इनर टू इनर जिसका डायमेंशन था वो 20 फीट 6 इंच था, अगर स्पैन ज़्यादा नहीं होने से आप ऑन साइड पे दो कॉलम एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आप ले लें और उसके एक डिवाइड कर लें आप। मैं एज इट इज़ जो मैं कॉलम लोकेशन शो किया था उस हिसाब से मैंने बनाया है, वो मैंने उसमें शो नहीं किया, लेकिन एक सेकेंड ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया था उस वीडियो में। और ये फ्रंट साइड में जो देख रहे हैं आप ये कॉलम, ये एक्चुअली मैंने गेट के लिए लिया था जो आपके बाउंड्री वॉल के हाइट पे आएगा, जितना आप गेट है उस हिसाब से इसको कॉलम को आप ले सकते हो। इसके इनर से इसका इनर में 10 फीट मैंने इसका डायमेंशन लिया है। तो बस यही बताना था आपको इस वीडियो में, वो जो प्लान मैंने और वो कॉलम लोकेशन जो मैंने शो किया था उसके हिसाब से मैंने ये सेंटर लाइन आपके लिए बना दिया है। अगर उस हिसाब से अगर आप जाना चाहते हैं उस प्लान के हिसाब से, तो ये सेंटर लाइन आपके लिए बहुत यूज़फुल है। इसको आपको मैं रोटेट करके बताता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो किसी भी शो करने के लिए और आपके लिए इजी भी हो जाएगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद, इसके डायमेंशन वगैरह देख सकते हो।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कुछ रह भी गया तो कमेंट के ज़रिए मुझे बता दीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू प्लान के साथ, कुछ नई डिटेल के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।